हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सीएनसी मशीन में फोर स्टार्ट मल्टीपल जो थ्रेड है उसको कैसे बनाया जाता है। इसमें आज हम देखेंगे, हमारे पास ड्राइंग है, जितना थ्रेड का एरिया करना है उतना ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड है, उसका जो डायमीटर है वो 23 है और 4 mm उसका पीच है, और उसमें फोर स्टार्ट थ्रेड हमको बनाना है। राइट हैंड साइड RHS थ्रेड हमको बनाना है। तो इसमें ये थ्रेड फोर स्टार्ट होने के वजह से आपको उसका जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें आपको क्या क्या केयर लेना पड़ता है उसके बारे में भी आज हम देखेंगे, और मशीन पे हम इसका प्रैक्टिकल लाइव ले लेंगे और उसका असेंबली भी हम लोग करेंगे। इसमें पहले तो है, फोर स्टार्ट होने की वजह से स्क्वायर थ्रेड है तो टूल आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, पहली बात है। दूसरा है कि टूल का जो विड्थ है वो आपको 2 mm लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका पीच जो है वो 4 mm है, उससे आधा हमने पीच ले लिया। और फोर स्टार्ट होने की वजह से आपको लीड निकालना बहुत जरूरी होता है। लीड मतलब नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पीच, ऐसा होता है। तो नंबर ऑफ स्टार्ट हमारा 4 है और पीच हमारा 4 ही है, तो इसका जो पीच फीड रहेगा वो 16 रहेगा, तो एक राउंड में ये 16 mm आगे जाएगा। तो इस तरह से हमारा ड्राइंग है, और ये हम एक्चुअल में मशीन पे जाके इसको कैसे चलाना है वो भी हम लोग देखेंगे। चलो हम मशीन पे जाएंगे, चलो हम देखेंगे अभी। ये आपके सामने ऐसा ड्राइंग है, इसमें आप देखेंगे तो जो मैंने ड्राइंग अभी निकाला था इसके ऊपर हमें इतना पोर्शन पे ही थ्रेडिंग करना है। तो अब देखेंगे, इसके लिए हम लोगों को पहले रफ टर्निंग करना पड़ेगा, फिर फिनिश टर्निंग करना पड़ेगा, ओडी का ऑपरेशंस, और उसके बाद में हम लोग थ्रेडिंग करेंगे। ठीक है, चलो मैं ड्राइंग यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आप जो टूल देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक रफ टर्निंग का टूल है, एक TNMG हमने इनसेट लगाया, एक फिनिश टर्निंग का टूल है उसको भी TNMG का ही लगाया है, और जो थ्रेडिंग का टूल है उसको उल्टा लगाया है, क्योंकि हमें राइट हैंड थ्रेड करना है इसलिए हमने इसको रिवर्स में लगा दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, जॉब लगा दिया, इसके पहले ऑफसेट ले लेंगे और उसके बाद में चालू करेंगे। तो ठीक है, मैं पहले रफ टर्निंग का जो टूल है उसके मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। इसका ऑलरेडी जेड का ऑफसेट हमें लेना है, एक्स का ऑफसेट ऑलरेडी वही टूल है, इसको रिमूव नहीं किया इसलिए उसका ऑफसेट नहीं लेता हूँ। इस तरह से हमें तीनों टूल के ऑफसेट्स हमें पहले लेना पड़ेगा और उसके बाद में हम रन करें। अभी एक टूल का ले लिया, ऑप्शन स्टॉप ऑन किया है मैंने, तो एक बार में एक ऑपरेशन होने के बाद रुक जाएगा। तो इसका हम पहले ग्राफ देख लेंगे, ऑटो में जाएंगे, ग्राफ में जाएंगे, और इसको ग्राफ देखने के लिए मुझे प्रोग्राम टेस्ट ऑन करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसको ऑन किया। तो हम सबसे पहले रफिंग में क्या होने वाला है उसको देख रहे, तो रफिंग में ये जस्ट टर्निंग ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद में जो उसके स्टेप्स है वो भी पूरा हम बना देंगे। तो थ्रेडिंग के लिए जो साइज लगता है 23 जो हमारा साइज था वो हम पहले उसको बना देंगे लाइक दिस, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम फिनिश टर्निंग करेंगे, तो फिनिश टर्निंग का टूल में भी हमने जस्ट एक लाइट कट लगा दिया जो फिनिश का लिए मटेरियल छोड़ा था उसका, और उसके बाद में हम थ्रेडिंग करेंगे। तो थ्रेडिंग हमारा 4 बार होने वाला है, 4 स्टार्ट है इसलिए हमें 4 बार थ्रेडिंग करना पड़ेगा। मैं आपको स्टेप वाइज एक एक उसका बता देता हूँ कि ये कैसे रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे।
अब हम फिनिश टर्निंग का ऑपरेशन देखेंगे। तो रफ टर्निंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब हम फिनिश उसका डायमीटर बना देंगे और उसके बाद में हम थ्रेडिंग को चालू करेंगे। चलो हम एक बार उसका साइज चेक करेंगे। चलो हमें जो साइज चाहिए था वो साइज अभी मिल चुका है। अब हम थ्रेड का ऑफसेट ले लेंगे थ्रेड के टूल का और उसको भी हम यहाँ पे छोड़ेंगे। ये ग्रू का टूल हमने लगाया है स्क्वायर थ्रेड का, उल्टा करके लगाया है। ऑफसेट में डाल रहा हूं। वैसे मैं एक्स का ऑफसेट ले रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम टूल लगाया हुआ है। तो इस तरह से मैंने उसका ऑफसेट ले लिया। अब थ्रेडिंग छोड़ते समय आपको और एक बात ध्यान रखना है कि जो स्पिंडल ओवरराइड का बटन है उसको 100 पे रखना चाहिए, जो फीड रेट का बटन है उसको 100 पे रखना चाहिए और रैपिड का बटन आप जितना रखना चाहते उतना आप रख सकते हो। तो अभी एक स्टार्ट होने के बाद हम फिर से मशीन को रुकाएंगे। तो हमने इसमें प्रोग्राम ऐसा बना दिया है यन 3 में कि इसको एक सब प्रोग्राम हमने बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमने एक बार 16 mm से छोड़ा है, बाद में 12 mm से छोड़ा है, बाद में 8 mm से छोड़ा है, बाद में 4 mm से छोड़ा है और उसमें सब प्रोग्राम कॉल करके उसको हमने रन कर रहे हैं हमारे। ठीक है, तो हम अभी यन 3 को रन कर रहे हैं डायरेक्ट और इसको हम चालू कर रहे हैं। तो हमें जो फीड रेट का बटन है उसको 100 पे रखना है, जस्ट इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट स्टार्ट आप देख रहे हैं। हम अभी थ्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। यन 3 का जो प्रोग्राम है उसको डायरेक्ट हम बना रहे, छोड़ रहे यन 3 यन सर्च और साइकिल स्टार्ट। तो ये फीड रेट का बटन हमें 100 पे रखना है, RPM का बटन 100 पे रखना है और हमने रैपिड का भी बटन 100 पे रखा है। तो ये बेसिक प्रोग्राम इसका बना चुके हैं। 20-20 माइक्रोन का डेप्थ ऑफ कट हमने इसमें लगाया है। तो थोड़ा पानी का यूज हमें करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर थ्रेड है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने फर्स्ट स्टार्ट बना दिया है, आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करके मैंने मशीन को रोक दिया है, तो आप देखिए यहाँ पे एक स्टार्ट हमारा हो गया शुरू से लेके एंड तक। थोड़ा जूम करके हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट चालू हो गया थ्रेड, यहाँ से शुरू से अगर देखेंगे तो एक ही थ्रेड बन चुका है, मतलब इसको सिंगल स्टार्ट हम कहेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ से चालू हो गया और यहाँ पे जाके लास्ट में एंड हो गया लाइक यहाँ, तो एक ही राउंड बन चुका है। और ये डिस्टेंस आपका लगभग पूरा टोटल डिस्टेंस 15 mm तक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 14.8 ये थ्रेड का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। हमारा बड़ा डायमीटर 23 है, छोटा डायमीटर 21.1 है, तो हमें वहाँ तक थ्रेड बनाना है। तो हमारा अभी एक ही स्टार्ट हो गया, तो हमने अभी एक स्टार्ट देखा। सेम हम दूसरा स्टार्ट भी इसी तरह से बनाएंगे, तो आप इसको फिर से हम उसको स्टार्ट करेंगे दूसरा स्टार्ट। तो मैं पहला वाला जो ब्लॉक था उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, तो वो बार 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 दूसरी बार वो नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं उसको स्किप का बटन डाल के उसको स्किप ब्लॉक डिलीट जो बटन है उसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन इसमें रन हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं N3 छोड़ रहा हूँ और सेकंड स्टार्ट। इसमें हम ध्यान रखेंगे 100 100 100 ही चाहिए। सिंगल स्टार्ट में एक ही बार पूरा जॉब बन जाता है, लेकिन जब डबल स्टार्ट है, थ्री स्टार्ट है, फोर स्टार्ट है, तो आपको जितनी बार वो स्टार्ट रहेगा उतनी बार आपको वो प्रोग्राम रिपीट रिपीट छोड़ना पड़ेगा। ये स्क्वायर थ्रेड है, थोड़ा सा स्क्वायर थ्रेड बनाने में हार्ड होता है। आप हमेशा ध्यान रखना है कि राइट हैंड अगर थ्रेड है आपके तो टूल आपको उल्टा लगाना पड़ता है। तो हमने फर्स्ट स्टार्ट होने के बाद मशीन को रोक दिया, अब हम फिर से सेकंड स्टार्ट बना रहे। इसका पर साइड अगर आप डेप्थ देखेंगे तो लगभग 1 mm के आसपास इसका पर साइड डेप्थ है, और हमने उसका डेप्थ ऑफ कट बहुत कम दिया है, लाइक 20 माइक्रोन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक एक कट जो है ये 20 माइक्रोन का मैंने दे दिया है कि ज़्यादा टूल पे लोड ना आए। वी थ्रेड अगर होते तो ज़्यादा टूल पे लोड नहीं आता है, लेकिन स्क्वायर थ्रेड होने के कारण मशीन पे लोड आने का ज़्यादा चांसेस रहता है और उसमें टूल टूट जाता है। तो हम अभी सेकंड स्टार्ट बना रहे हैं, ऐसे ही हम थर्ड स्टार्ट और फोर्थ स्टार्ट बनाएंगे। आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टार्ट था, और दूसरा स्टार्ट देखेंगे हमारा यहाँ से चालू हो गया। ये फर्स्ट स्टार्ट था, ये सेकंड स्टार्ट है, लगभग उसके नज़दीक से वो जा चुका है। तो दो स्टार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप अगर इसको अच्छा सा देखेंगे तो आपको दो स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसा दिखेगा। तो फर्स्ट स्टार्ट ये था और ये सेकंड स्टार्ट हो गया, ये भी हमारा यहाँ तक एंड हो चुका है। तो ऐसे दो स्टार्ट हमने अभी बना दिया, हम अभी तीसरा स्टार्ट छोड़ेंगे। ठीक है, मैं फिर से पहले दो स्टार्ट को स्किप कर रहा हूं और अब मैं तीसरा स्टार्ट छोड़ रहा हूं। ये अभी तीसरा स्टार्ट हो रहा है, आपने पहला स्टार्ट देखा, दूसरा स्टार्ट देखा, फोर स्टार्ट है तो उसमें उसका जो एंगल रहता है 360/4, तो एक स्टार्ट 90 डिग्री में आ जाएगा, 90 90 90 90 डिग्री में। तो ऐसा हमारा ये थ्री स्टार्ट है,
फिर हम और एक स्टार्ट छोड़ने वाले, ऐसा ये जॉब 4 स्टार्ट है और इसको मैचिंग भी हमें करना पड़ता है। मैचिंग करने में आपको कभी हेड का साइड में थोड़ा सा कट करना पड़ेगा और अदरवाइज आपको थोड़ा डेप्थ बढ़ाना है तो उसको रिवर करना पड़ेगा। आप देखेंगे उसमें जो गैप है हमारा, जितना 4 mm था उतना ही गैप है दोनों हेड के बीच में। अब देखिए यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टार्ट था, यहाँ से हमारा सेकंड स्टार्ट है और यहाँ से हमारा थर्ड स्टार्ट है। अभी 4 स्टार्ट बनाना बाकी है तो हमने 3 स्टार्ट बनाए। 3 स्टार्ट के एंड अगर देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट एंड, ये सेकंड एंड और ये थर्ड एंड, तो इसमें अभी भी इतना स्पेस बैलेंस है, तो इतना स्पेस में और एक थ्रेड आपका बैठेगा। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो ये जो स्टार्ट होते हैं तो बराबर 90 डिग्री में स्टार्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे नए ये हो गया तो दूसरा 90 डिग्री में, तीसरा और 90 डिग्री में, ऐसा 90 क्योंकि हमने 4 स्टार्ट बनाया इसलिए। तो हम अभी 4 स्टार्ट उसमें छोड़ेंगे तो आपको कम्प्लीटली थ्रेड दिखाई देगा। जब आप 4 स्टार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो 4 स्टार्ट है कि नहीं, आपके समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप पहले से देख रहे तब आपको दिख रहा है कि फर्स्ट स्टार्ट में एक ही थ्रेड दिख रहा था, सेकंड स्टार्ट में 2 थ्रेड दिख रहे, थर्ड स्टार्ट में और एक तीसरा थ्रेड दिख रहा है आपको। अब हम 4 स्टार्ट देखेंगे। ओके, हम अभी 4 स्टार्ट उसको छोड़ रहे, तो ये हमारा 4 स्टार्ट है। चलो अभी इस तरह से ये 4 स्टार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देख रहे, देखिए ये फर्स्ट स्टार्ट हो गया, ये सेकंड स्टार्ट देखिए 2 बार दुगना स्टार्ट हो गया, ये 3 स्टार्ट हो गया और ये हमारा 4 स्टार्ट हो गया। आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें जो गैप है ये 90 डिग्री आप फेस से अगर देखेंगे, मैं इसका फेस के ऊपर मार्क कर रहा हूँ, आप देखिए इसका सेंटर पे मार्क कर रहा हूँ, इसका सेंटर पे मार्क कर रहा हूँ, ये स्टार्ट भी मैं सेंटर पे लेके आ रहा हूँ और ये स्टार्ट भी मैं सेंटर पे लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर फेस से देखेंगे तो 90 डिग्री का, इसमें 90 डिग्री का डिफरेंस आपको दिखेगा क्योंकि ये 4 स्टार्ट है। अगर 3 स्टार्ट होता तो 120 डिग्री आपको दिखाई देता, 2 स्टार्ट होता तो 180 डिग्री में दूसरा थ्रेड बन जाता था। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये 4 स्टार्ट है कि सिंगल स्टार्ट है। इसको देखने का तरीका, आपको स्टार्ट देखिए कितनी बार थ्रेड को चालू हो गया, ये पहली बार चालू हो गया, ये दूसरी बार चालू हो गया, तीसरी बार चालू हो गया और चौथी बार चालू हो गया। तो आप इस तरह से कितना स्टार्ट है उसको आप देख सकते हैं। अब हम इसका असेंबली हो रहा है क्या नहीं इसको देखेंगे। ये हमारे पास ये मास्टर है, इसके अंदर सेम 4 स्टार्ट थ्रेड है और वो थ्रेड को ये इसको मैचिंग करना है। तो हम इसको असेंबली करके देखेंगे। तो इसमें एंट्री नहीं कर रहा है, एंट्री नहीं कर रहा है, इसका ऊपर से थोड़ा बर आ चुका है, एक बार बर निकाल के देखेंगे। ठीक है, हमने इसके ऊपर का बर थोड़ा सा हटा के देखा। अब मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, इसको जा रहा है कि नहीं। तो अभी भी ये एंट्री नहीं कर रहा है, थोड़ा सा टाइट जा रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसका डेप थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऑफसेट कर देता हूँ वेयर में जाके, -0.15 मैंने ऑफसेट दे दिया और प्लस करके एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं फिर से इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें चारों के चारों स्टार्ट हमें रिपीटली
छोड़ना पड़ेगा जितना आपको अभी मैं क्या करूंगा कि पूरा कट नहीं लगाऊंगा, जितना ऑफसेट दिया उतना ही कट मैं इसमें लगाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं जितना ऑफसेट किया था उतना ही उसको फिर से छोड़ा है, ये 0.15 का कट लगेगा ओनली। अभी मैं ओनली 0.15 मटेरियल रिमूव कर रहा हूँ, पहले से नहीं छोड़ रहा हूँ, बस उतना जितना मेटल रिमूव करना है उतना का ही प्रोग्राम मैंने उसमें छोड़ा है। इस तरह से थ्रेड को मैच करना होता है, तो आप जब तक थ्रेड उसका जो असेंबली पार्ट है वो जब तक नहीं बैठता तब तक आपको उसको रिपीटली छोड़ना पड़ेगा। अब ये 4 स्टार, तो कभी आपको डेप बढ़ाना पड़ेगा, कभी आपको साइड का मटेरियल कट करना पड़ेगा, तो आपका जो मास्टर रहेगा उसको आपको मैच करके इसको बिठाना है। अब ये 4 स्टार्ट हो गए, हम इसको फिर से एक बार असेंबली करके देखेंगे। तो देखो ये इसके अंदर बैठ गया, आप अगर इसको देख सकते हैं कि ये पूरा के पूरा इसके अंदर बैठ गया इस तरह से। तो अभी इसमें जो थोड़ा सा बर है क्या वो देखेंगे, अभी कुछ भी बर नहीं है, जो अब एकदम परफेक्ट बन चुका है, तो हम इसको रिलीज करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलो मैं अभी ये जॉब को खोल रहा हूँ, आप अभी आपको सामने से दिखा रहा हूँ कि अभी देखिए यहाँ पे एक स्टार्ट है, दूसरा स्टार्ट यहाँ पे है, तीसरा स्टार्ट यहाँ पे है और चौथा स्टार्ट यहाँ पे है। फेस पे देखेंगे तो आपको मैंने इसको मैचिंग करके देखा तो बराबर 90-90 डिग्री में आपको 4 स्टार्ट दिखाई दे रहे। तो इस तरह से आपका ये जॉब बन गया, देखिए आप अच्छा सा देख सकते हैं कि इसमें परफेक्टली वो जॉब बन चुका है। और इसमें अभी आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 स्टार्ट है। अगर आपको और एक बार देखना है तो स्टार्ट देखिए, दूसरा एक स्टार्ट में आप एक देखिए कि यहाँ से मैंने चालू किया तो एक राउंड में वो कितना आगे जाता है, तो एक राउंड में ये 4 थ्रेड आगे गए, 1, 2, 3, 4, मतलब ये 4 स्टार्ट है, ऐसा आपको जॉब को समझना है। और आपको इसका जो था इसका फीमेल कंपोनेंट ये है, ये मेल कंपोनेंट है, इसको मैं असेंबली करके देख रहा हूँ तो इसके अंदर ये परफेक्टली बैठ रहा है, मतलब ये हमारा जॉब इस तरह से हम 4 स्टार्ट बना सकते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि 4 स्टार्ट बनाते समय आपको क्या क्या क्लियर करना है, तो आपको स्पीड फीड का ओवरराइड का जो भी बटन है वो आपको 100 पे रखना है, जितना आपका स्टार्ट रहेगा उतना उसको लीड जो आएगा नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच उतना लीड आपको फीड रेट में डालना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।